बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस एक्सेल के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं स्लाइसर के बारे में। ये स्लाइसर ये फिल्टर का ही एक नाम है और इसके अंदर हमने फिल्टर ही करना है। तो हमने स्लाइसर का यूज कैसे लेना है, यहाँ पर आपके सामने एक शीट है। ये देखें, यहाँ पर मैंने स्लाइसर ऑप्शन खोला हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ, ये देखें, बनू का डेटा मुझे चाहिए। आप नोट करें, सिर्फ बनू का डेटा ही आपको मिल रहा है। आप यहां पर बालाकोट के ऊपर करते हैं क्लिक, तो ये देखें, सिर्फ बालाकोट का ही डेटा हमें मिल रहा है। और अगर मैं पिशावर के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप नोट करें, ये पिशावर का डेटा ही मिल रहा है। और अगर आप यहां पर मल्टी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो ये देखें, पिशावर और कुहाट का डेटा, यहाँ पर पिशावर का और कुहाट का डेटा इस तरह से ये मिल रहा है। तो ये हमने यूज कैसे लेना है, ये मैं आपको बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल बेसिक से आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं इस स्लाइसर को डिलीट कर लेता हूँ। कीबोर्ड से डिलीट वाले बटन से मैंने डिलीट कर लिया है और ये फिल्टर भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। बिल्कुल सिंपल, इस तरह से मेरे पास शीट खड़ी हुई है। यहाँ पर ये टेबल के ऑर्डर इसके ऊपर दिए गए हैं। टेबल डिजाइन के अंदर कन्वर्ट टू रेंज कर लेता हूँ सिंपल लेने के लिए। ये सिंपल, ये मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अगर आपने स्लाइसर ऑप्शन का यूज करना है, तो इसके लिए आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर लिया है। आपने कंट्रोल टी बटन प्रेस करना है टेबल लेने के लिए। क्रिएट टेबल, माय टेबल हैज हेडर। ये देखिए, हमारे पास हेडर मौजूद है। यहाँ पर ये पी नंबर, नेम, फादर नेम और एड्रेस। मैं यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। ये चीज हमारे पास आ चुकी है, ये हमने सिंपल टेबल ले ली है। अगर हमने अभी स्लाइसर का यूज करना है, तो आपने इंसर्ट के अंदर जाना है, स्लाइसर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर स्लाइसर के अंदर जो चीज यूज में लेनी है, यहाँ पर फर्स्ट किया मुझे एड्रेस चाहिए, मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से आपको मिल रहा है। और यहाँ पर एक नया टैब आ चुका है स्लाइसर का। अगर आप इसको कुछ कलर वगैरह इस तरह से देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं। और इस स्लाइसर को आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी और जगह भी रख सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं, पिशावर का डेटा, कुहाट का डेटा, आप इस तरह से डायरेक्टली भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर दो कॉलम करना चाहता हूँ, तो ये देखें, ये दो कॉलम में, या इसको मैं तीन कॉलम में लेना चाहता हूँ, इसको मैं छोटा बड़ा रखना चाहता हूँ, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक ही सेट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेट कर लिया है और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करना चाहता हूँ। इसको हमने यूज में कैसे लेना है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर बनू के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी आप नोट करें, ये सिर्फ बनू का ही डेटा आ रहा है। यहाँ पर इस लफ्ज को आप पढ़ लें, ये है मल्टी सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं बनू का डेटा साथ में बालाकोट का डेटा, तो साथ में बनू और बालाकोट का डेटा आ रहा है। ये देखें, मल्टी सिलेक्शन के ऊपर चेक लगाने के बाद ये देखें, बाजोड़ का डेटा, बालाकोट का और बनू का। आप नोट करें, इस तरह से ये डेटा जो है आपके सामने आ रहा है। आज हमने पढ़ा है स्लाइसर के बारे में। ये फिल्टर का ही एक ऑप्शन था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।